नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। आज बहरिया विधानसभा के अंतर्गत सदरपुर गांव में मां शारदा इंटरप्राइजेज लघु उद्योग का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन किए प्रवीण सर के पिताजी और किशोर सिंह ने। वहीं पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे गरीब हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अशरफ अली। मैं बताते चलूँ कि शांति इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते वक्त कहा कि मैं देखा कि रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बढ़रिया को रोजगार के तरफ लेकर जाया जाए, और मैंने एक पहल की, आने वाले दिनों में और बेहतर करूंगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। पटना के दामों पर अब बढ़रिया में भी कॉपियां मिलेंगी। देखिए कुछ बात करते वक्त क्या कुछ कहे मीडिया से रूबरू होकर। देखिए, ये तो आप जहाँ खड़े हैं, यह एक गाँव है, मोहल्ला है, बढ़रिया प्रखंड का सदरपुर पंचायत का सदरपुर एक गांव है जी। और इस गांव में, इस गली गुलचे में अगर किसी ने यह साहस जुटाई कि एक घर में लघु उद्योग, जो कि कॉपी बनाने वाली लघु उद्योग है, जो हम पहले जाना करते थे कि सिर्फ सिवान में, पटना में, बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, तो यह एक लघु उद्योग का जो उन्वान हुआ, इसका जो उद्घाटन हुआ, जो माँ शारदा इंटरप्राइजेज है, ये हमको इतनी उत्तेजना दे रही है और इतनी बड़ी खुशी दे रही है जिस खुशी का मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। कारण इस बात की नहीं कि यहाँ पे एक लघु उद्योग खुला, कारण ये बात ये है, खुशी इस बात की है कि इस गली गुलचे में, इस मोहल्ले में किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई, इतनी बड़ी साहस जुटाई, और ये साहस जुटा करके इस लघु उद्योग का उद्घाटन करवाया। और ये हम जो देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ बहुत सी कॉपियाँ रखी हुई हैं, इसमें मशीन रखा हुआ है, तो इस लघु उद्योग को चलने का एक मैंने खुशी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि इन्होंने एक ऐसा खंभा डाला, एक ऐसा पिलर डाला जो ये बता रहा है कि अब गाँव में भी लघु उद्योग का प्रचलन चलेगा। अब हमारे नौजवान जो हैं घर में, गाँव में इस तरह के लघु उद्योग खोलेंगे। आज इस कॉपी का लघु उद्योग का उद्घाटन हुआ, कल किसी और भी चीज़ के लघु उद्योग का उद्घाटन होगा, और हमारे घर के, मोहल्ले के, गांवों के जो नौजवान होंगे वो अब बेकार नहीं पड़ेंगे। वो लोग इस तरह का धंधा, बिजनेस, लघु उद्योग करके और अपना जीविका चलाएंगे, अपने समाज का उत्थान करेंगे। तो ये हमें कहना है कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से इस समाज में ये संदेश दीजिए कि लोग इस लघु उद्योग को देख करके प्रेरित हों, और सभी लोग ये भावना बनाए कि वो लोग इस तरह का लघु उद्योग खोले, और हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से इन्हें आशीर्वाद देंगे प्रवीण जी को कि ये अपना लघु उद्योग पूरे हिम्मतों और साहस से चलाएं, और ईश्वर इन्हें पूरा कामयाब बनाए और ये आगे की ओर बढ़ाएं। बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ये बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, बच्चों को तो पहले से भी कॉपियाँ मिलती थी, आज भी मिलेगा, बहुत सहूलियत से मिलेगा, कम दामों में मिलेगा, सस्ता प्राइस में मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें तो फ़ायदे की बात हैं ही, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आपके घर में, मोहल्ले में इस तरह के उद्योग अगर चलने लगेंगे तो बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार को फायदे मिलने लगेंगे। बहरिया में 2006 में पहली बार कंप्यूटर लाए थे, उसके अपार सफलता के बाद आप एक लघु उद्योग खोल रहे हैं अपने गांव मोहल्ले में, आखिर ये कहां से थॉट्स आता है आपके पास? जी, हमेशा से मैं ये सोचता हूं कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे कुछ लोगों को रोज़गार मिले। जैसे कि मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट रन किया तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ से सीख करके विदेश में जॉब कर रहे हैं और जॉब करके अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं बैठा था, सोचा कि इस तरह का मैं प्लांट अपना डालता हूँ तो इसमें 10 आदमी का रोज़गार मिल जाएगा, इसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं। क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में इससे बड़ा और प्लांट या और भी कोई और लगेगा? जी बिल्कुल, आगे हम पेपर मिल की भी करेंगे। अच्छा। रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को खरीद करके हम पेज भी तैयार करेंगे और पेज तैयार करके कॉपी का निर्माण करेंगे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिले। क्या लगता है कि इसलिए इससे लोगों का फायदा हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा, बहुत सारे लोग इसमें काम करेंगे, बहुत सारे घर के चूल्हे जलेंगे। प्राइस वगैरह पे क्या कहना चाहेंगे? जी हम पटने रेट में, यहाँ पे पटना रेट में हम यहाँ पे कॉपी अवेलेबल करेंगे, बिल्कुल सस्ते दर पे देंगे और उच्च क्वालिटी में देंगे। परिचय सर? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह हुआ, निदेशक शांति इंस्टीट्यूट बढ़रिया।